नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेसकोर में। आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में भर्ती निकली, उसी संबंध में एक और नया जिला निकल कर आया जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था, जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की भर्ती के बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला शिवपुरी में वैकेंसी निकली है जिसका नोटिफिकेशन 29/8/2023 को जारी हो चुका था। मध्य प्रदेश शासन उप सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन रिक्त पदों का विवरण आवश्यक अर्हताएं योग्यताएं निर्धारित मानदंड निम्नानुसार है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बोला, सभी जिलों में जो है वो पद सेम है, शैक्षणिक योग्यता सेम है और सैलरी सेम है, बस कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज होती है। तो हम डायरेक्ट वही टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। कुछ जिले में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी 8 पद एक एक होने से आरक्षण प्रावधान में से मुक्त होंगे, आरक्षण इसमें किसी को नहीं दिया जाएगा। मानदेय आधार पर कार्यरत सरकारी जिला अस्पतालों के मौजूद पेशावरों, टोकन मानदेय के भुगतान पर कार्यरत सरकारी जिला अस्पताल के मौजूद पेशावरों। तो यहाँ पर ये भी आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना है, इसमें आपको कोई आवेदन ऑनलाइन नहीं करना। जो आवेदन पूर्व से नियोजित है उन्हें आवेदन पत्र के साथ अपने नियोजक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्रों अभिलेखों की छाया प्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। उक्त पदों में चयनित प्रतिभागी अनुक्रमांक 1 से 8 तक को जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना आपको जरूरी है। इसकी लास्ट डेट 15/9/2023 शाम 5:30 बजे तक आप या तो पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर खुद से जाकर कार्यालय में दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र देखने को मिल रहा होगा, सभी का प्रारूप आवेदन का प्रारूप सेम नहीं होता है, तो आप इसे ध्यान से देखकर पढ़िएगा। और आपको किस पते पर भेजना है वो भी हम बता देते हैं। सभी आपको जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सभी की फोटोकॉपी लगाकर सामाजिक कार्यालय न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला शिवपुरी के नाम से इसे आपको भेजना है। 15/9/2023 से पहले पहले इसे आपको भेजना है 5:30 बजे से, या तो आप कार्यालय में खुद से जाकर देख सकते हैं। अगर खुद से नहीं जा पा रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेज सकते हैं। पर याद रखिए कि 15/9/2023 से पहले पहले शाम 5:30 से पहले आपको यह आवेदन जमा करवाना होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन या जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे। जैसे ही कोई नई जिले की जानकारी हमारे पास आती है आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।